नमस्ते, गुड मॉर्निंग। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में मैं इत्याद जिज्ञासु सभी विद्यार्थियों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं बीए प्रथम वर्ष के सेकेंड सेमेस्टर में प्रकरण हर्षवर्धन के प्रशासन व्यवस्था को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। हर्षवर्धन की प्रशासन व्यवस्था को पढ़ने से पहले एक ऐसा मोटिवेशन कोड भी आपके लिए लाया हूं, न कि आपको ऊर्जावान बनाएगा, न कि आपको ऊर्जावान बनाएगा, लेकिन आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर लाएगा, आपको पढ़ने के लिए मजबूर जरूर करेगा कि सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के असूलों से, सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। अरे कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। आपको कहीं सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कोई विरोधी कोई बोल रहा है उसको बोलने दो, गांव में उठ रहा है उसको उठने दो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको सही साबित करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा मोटिवेशन कोड आपको पसंद आया है तो केपी कॉलेज के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें ताकि आने वाला वीडियो मिल सके। चलिएगा हर्षवर्धन का प्रशासन व्यवस्था। बाणभट्ट के हर्षरित और हेन्सान के सियुकी नामक पुस्तक, बांसखेड़ा अभिलेख, मधुबन अभिलेख से यह जानकारी प्राप्त होती है कि हर्षवर्धन एक महान योद्धा होने के साथ साथ एक कुशल प्रशासक भी था, शासन करना भी जानता था। उनकी जो शासन प्रणाली है वो गुप्त प्रशासन से मिलती जुलती थी, लेकिन फिर भी हर्षवर्धन ने इसमें कुछ परिवर्तन। हर्षवर्धन की शासन प्रणाली सुव्यवस्थित थी, सुसंगठित थी, व्यवस्थित थी, अच्छी थी। वह एक महान योद्धा था, महान विजेता था, शत्रु राजनीतिज्ञ था, कला एवं साहित्य का संरक्षक था, ऐसा यह शासक था राजा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने अपनी शासन प्रणाली को कई भागों में विभक्त किया था। केंद्रीय प्रशासन है, इसके बाद में उन्होंने प्रांतीय शासन की बात करें, प्रांतों को उन्होंने कई विषयों में विभक्त किया, फिर विषयों को उन्होंने कई तहसीलों में विभक्त किया, फिर गांवों में विभक्त किया, उस गांव में कौन कौन से अधिकारी थे, उन अधिकारियों के कौन कौन से कार्य थे, इस वीडियो में हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इसके लिए अंतिम रूप से इस वीडियो में आपको मेरे साथ अपने बड़े भाई के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। चलिएगा अगला हम बात करें परिचय की बात करें। हर्ष का जो शासन प्रणाली थी, हर्ष की शासन प्रणाली परिचय में, हर्ष की शासन प्रणाली की बात करें तो देखो एक बाणभट्ट की एक पुस्तक है, ये हर्ष के दरबार में विराजमान करते हैं ये बाणभट्ट, और इसी बाणभट्ट ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हर्षरित नामक पुस्तक लिखी थी। एक सीन से एक यात्री आया था जिसका नाम था हेन्सान, जो हर्षवर्धन के दरबार में यात्री सीन यात्री आया था, उसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सीयू की। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, परीक्षा में जो लोग अपनी भूमिका निभाएगा, इस पुस्तक का नाम है सीयू की। कौन सी पुस्तक है तो आप लिखेंगे सीयू की, सीयू की। ये अपने पुस्तक में जरूर नोट कीजिएगा, आप परीक्षा में लिखेंगे। इससे ये जानकारी मिलती है कि हर्षवर्धन की जो शासन प्रणाली थी वो गुप्त शासन से मिलती जुलती थी, गुप्त शासन प्रणाली से मिलती जुलती थी, क्योंकि इससे पहले गुप्तों का शासन था इसका, और ये हर्षवर्धन है वो वर्धन वंश का शासक था, और वर्धन वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था पुष्य बुद्धि। ये ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्ष ने इन शासन प्रणाली में कुछ परिवर्तन भी किया। क्या कर दिया, परिवर्तन किया कुछ इस शासन प्रणाली में, परिवर्तन करता है हर्ष। चलिए, ये एक महान योद्धा था, महान योद्धा होने के कारण एक कुशल प्रशासक भी था, शासन संचालन भी करना जानता था, कुशल प्रशासक भी। कौन राजा हर्षवर्धन था, ये कौन था राजा हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन ने अपनी शासन प्रणाली को कई भागों में विभक्त करके रखा था, जैसे कि वो केंद्रीय प्रशासन था, सबसे ऊपर का जो प्रशासन था वो केंद्रीय प्रशासन था, ये ध्यान रखिएगा। इसके नीचे अगर हम बात करें तो
वाले के पास एक प्रांतीय शासन था, प्रांतीय शासन आता है और प्रांतों को उन्होंने कई विषयों में विभक्त करके रखा था, ध्यान रखियो, और विषयों को उन्होंने कई तहसीलों में विभक्त करके रखा था, तहसीलों को कई गांवों में, ये सारी बातें अपन करेंगे, तहसीलों को फिर तहसीलों को गांवों में उसने विभक्त किया, और इन सारे प्रशासन में बड़े बड़े अधिकारी हुआ करते थे, उनके कौन कौन से कार्य थे तो ये भी ध्यान रखना। ये हर्षवर्धन आप परिचय में लिख सकते हैं एक महान योद्धा था, ध्यान रखियो महान योद्धा। अब इसको महान योद्धा क्यों कहते थे, महान योद्धा होने के कारण उसने बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, वल्लभी, गौड़, कन्नौज आदि राज्यों के ऊपर उसने अधिकार किया, इसलिए महान योद्धा और महान विजेता भी इसको कह सकते हैं, ध्यान रखियो। दूसरी अगर हम बात करें तो महान योद्धा महान विजेता के साथ में सुपूर राजनीति की विधा। अब इसको सुपूर राजनीति की अगर देखो आपको इसके मूल्यांकन के बारे में पूछा जाता है तो सुपूर राजनीति अपनी सतुराई के बल पर उसने वल्लभी के शासक ध्रुव सैन के साथ में अपनी बेटी की शादी करता है, ये उसकी राजनीति सुदृढ़ता का घोतक है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो उसने कामरूप के शासक भास्कर वर्मा के साथ में दोस्ती की थी, ये भी उसकी राजनीतिक शत्रुता, इसलिए अपनी राजनीतिक दृष्टि से मजबूत राजनीति को मजबूत करना चाहता राजा हर्षवर्धन, ध्यान रखना राजनीतिक कुशलता। ये साहित्य एवं कला का संरक्षक था, बड़ा भाई साहित्य एवं कला का संरक्षक था। अब साहित्य का संरक्षक हर्षवर्धन साहित्य का संरक्षक था, स्वयं अच्छा साहित्यकार था, इसने रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका नामक ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, दो नंबर में जरूर आएगा, रत्नावली, प्रियदर्शिका एवं नागानंद नामक जो ग्रंथ की जो रचना है वो किसने की थी, तो आप लिखेंगे हर्षवर्धन ने, ध्यान रखियो आप हर्षवर्धन, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में जरूर आएगा ये प्रश्न, ठीक है। तो ये साहित्य तो है अपने साहित्य संरक्षक। अब कला संरक्षक कैसे था कि हर्षवर्धन ने कई शैलियों का निर्माण कराया, कई विहारों का निर्माण करवाया, कई स्तूपों का निर्माण कराया, कई मठों का निर्माण कराया, तो ये इसको अपन हर्षवर्धन के बारे में परिचय में आप इसका देख सकते हैं, तो ये आपको अच्छी तरह से याद कीजिएगा अगले दिन के लिए। हर्षवर्धन की जो शासन प्रणाली थी वो कैसी थी, केंद्रीय शासन में कौन कौन से मंत्री होते थे, तो इस पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए सम्राट हर्ष के समय में सम्राट शासन का सर्वोच्च अधिकारी था, कौन था, कॉपी में लिखे सर्वोच्च अधिकारी, सबसे बड़ा अधिकारी था सर्वोच्च अधिकारी हर्ष, शासन का सम्राट सबसे सर्वोच्च अधिकारी, ये सर्वोच्च न्यायाधीश था, सर्वोच्च न्यायाधीश था, न्यायाधीश था, अंतिम न्याय उसके पास में था, अंतिम न्याय किसके पास में था, हर्षवर्धन के, सर्वोच्च सेनापति था ये हर्षवर्धन, क्या था, सर्वोच्च सेनापति था, सेनापति, किसको सेना के पद पर रखना है, किसको सेना के पद से हटाना है, सारा निर्णय हर्षवर्धन किया करते थे, अंतिम न्यायाधीश था। अगर किसी ने जैसे बीमाशक एक न्यायाधीश हुआ करता था, अगर कोई भी उनके शासन में कोई भी व्यक्ति उनके न्याय से संतुष्ट नहीं होता था बीमाशक से, तो सीधा हर्षवर्धन के पास में जाता, अगर हर्षवर्धन ने कह दिया कि यह आदमी सही है तो उसकी जो सजा है माफ भी कर दी जाती थी, इसलिए वो सर्वोच्च न्यायाधीश थे, सर्वोच्च अधिकारी थे, किसको अधिकारी के पद पर रखना है, किसको कर्मचारी के पद पर रखना है, किसको सेना के पद पर रखना है, किसको कौन से राज्य में भेजना है, वो सारा कार्य हर्षवर्धन के दरबार में था। वो समय समय पर अपने प्रजा की भलाई के लिए राज्य का दौरा करता, राज्य का दौरा जरूर करता था, मेरे प्रजा मुक्ति तो नहीं है, समय समय पर राज्य का दौरा करता था, कौन राजा हर्षवर्धन, ज्ञान इसके बारे में, राज्य का अपने प्रजा के हाल साल जानने के लिए, प्रजा की बारे में जानने के लिए समय समय पर, ये प्रजा वत्सल शासक था, प्रजा वत्सल कैसा शासक था, प्रजा वत्सल शासक था, कॉपी में नोट कीजिएगा, ये हमेशा प्रजा की नैतिक एवं भौतिक उन्नति के बारे में सोचता था, प्रजा की नैतिक भौतिक उन्नति के बारे में सोचता था, भौतिक उन्नति के बारे में सोचता था, कौन राजा हर्षवर्धन, हमेशा प्रजा की भलाई, प्रजा की कल्याण के बारे में भी सोचता रहता था, कौन राजा हर्षवर्धन, कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा, सर्वोच्च अधिकारी, सर्वोच्च न्यायाधीश, सर्वोच्च सेनापति, राज्य का दौरा करता था, प्रजा वस्त्र शासकता, प्रजा के कल्याण के बारे में हमेशा सोचता रहता था, कौन राजा हर्षवर्धन ने, और राजा हर्ष
एकाधिराज, एकाधिराज की उसकी उपाधि हुआ करती थी, एकाधिराज, एकाधिराज की उसकी उपाधि हुआ करती थी। चक्रवर्ती भी कहा जाता था, बहुत महान शासक होने के कारण उसको चक्रवर्ती की उपाधि से भी नवाजा गया। परम भट्टारक की उपाधि से भी राजा हर्षवर्धन को नवाजा गया, परम भट्टारक भी कहा जाता था, परम भट्टारक, ये भी राजा हर्षवर्धन की उपाधि थी। प्रश्न परीक्षा में आता है कि हर्षवर्धन की उपाधि कौन सी थी, तो अपन लिखेंगे महाराजाधिराज, एकाधिराज, परमेश्वर, चक्रवर्ती और अंतिम रूप से परम भट्टारक की उपाधि हर्षवर्धन की थी। ध्यान रखना, ये अपना सम्राट के बारे में, सम्राट के कौन कौन से कार्य थे, उनकी उपाधि कौन सी थी, कॉपी में नोट कीजिए। अगला बिंदु से आप उनको मैं आपको जोड़ने जा रहा हूं, तो मैं मंत्री परिषद, चलिए मंत्री परिषद से हम आपको जोड़ेंगे। मंत्री परिषद इसको मैं बिठा देता हूं अपनी कॉपी में, जरूर लिखते रहे साथ में। अगला जो हमारा बिंदु है वो है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद क्या थी? सम्राट को शासन कार्य में सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद का निर्माण किया। सम्राट को शासन कार्य में सहायता देने के लिए, शासन कार्य में सहायता देने के लिए, सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद का निर्माण किया गया। इस मंत्री परिषद में बहुत सारे मंत्री हुआ करते थे जो सम्राट हर्षवर्धन को सहायता दिया, सहायता एवं सलाह देने का कार्य करते थे। सलाह माननी नहीं माननी ये राजा हर्षवर्धन के ऊपर डिपेंड करता था। और उसमें ये जो मंत्री परिषद है वो कई मंत्रियों में बटी हुई थी। अपने कुछ इम्पोर्टेंट प्रमुख रूप से मंत्री है उसके बारे में अगर हम बात करें तो उनका जो प्रमुख जो मंत्री था तो सबसे जो प्रमुख मंत्री था एक प्रधानमंत्री हुआ करता था। सबसे बड़ा मंत्री कौन होता था? प्रधानमंत्री। एक भी मंत्री की बात करें, संधि विग्रहित मंत्री, संधि सिंधि विग्रहित, ये कौन सा मंत्री होता था? बहुत इंपॉर्टेंट है, दो नंबर में आ सकता है, ये मंत्री कौन सा होता था? ये सेना एवं शांति का मंत्री होता था, सेना व शांति के, शांति का मंत्री होता, क्या होता? मंत्री होता। सेना एवं शांति का मंत्री को क्या कहते थे? संधि विग्रहित कहा जाता। एक जो अगर मंत्री की अगर बात करें तो जो दूसरा जो अगर अक्ष पटला अधिकर, ये कौन सा मंत्री होता था? अक्ष पटला अधिकर, इसका क्या कार्य था? अक्ष पटला अधिकर, ये कौन सा मंत्री होता था? अगर ये मंत्री आता है राजकीय कागज पत्रों की देखभाल करने वाले मंत्री को अक्ष पटला अधिकर कहते थे। राजकीय, राजकीय कागज की देखभाल करने वाले मंत्री को, देखभाल करने वाले मंत्री को अक्ष पटला अधिकर कहते थे। फर्स्ट ग्रेड में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम में, तो उसको जरूर अक्ष पटला अधिकर किसे कहते थे? राजकीय कागज पत्रों की देखभाल करने वाले मंत्री को अक्ष पटला अधिकर कहते थे। साथ में मंत्रियों में कौन कौन से सेनापति भी होते थे? सेनापति ये सेना का संचालन करता था। मंत्रियों में पुरोहित होते थे, ये धार्मिक कार्य संपन्न करने का कार्य करते थे, धार्मिक कार्य को संपन्न करने का कार्य करते, ये ध्यान रखना है। तो क्या करते थे? धार्मिक कार्य को संपन्न करने का कार्य ये करते थे। एक मंत्री की अगर हम बात करें, गोविंद नाम का एक मंत्री हुआ करता था। गोविंद, ये क्या काम करता था हर्ष के दरबार में? गोविंद राजकीय सरकारी, राजकीय सरकारी कर वसूल करने वाले अधिकारी को गोविंद कहते थे। क्या कहते थे? राज उपज का राजकीय भाग वसूल करने वाले अधिकारी को, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है, तो इसको आप लिखेंगे। भोगी क्या है? मैं यहां से मिटा देता हूं, भोगी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे लिखाना है इसको। भोगी, ये भोगी नामक कौन सा अधिकारी हुआ करता था? भोगी, यहां रखना है, भोगी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजकीय कर वसूल करने वाला अधिकारी, राजकीय कर वसूल करने वाले अधिकारी को, वसूल करने वाले अधिकारी को, करने वाले अधिकारी को भोगी कहते हैं।
ये याद रखना है आपको। एक महाप्रतिहार, ये कौन सा अध्याय हुआ? महाप्रतिहार ये कौन सा मंत्री होता था? महाप्रतिहार ये दुर्ग की, राजमहल की, राजप्रसाद यानी महल, राजप्रसाद की रक्षा करने वाले को महाप्रतिहार मंत्री कहते थे। याद रखना, ये हमेशा महलों की रक्षा करता था। राजप्रसाद की रक्षा करने का कार्य जो भी मंत्री करता था, जिसका नाम था महाप्रतिहार, ये उस मंत्री का नाम क्या था? महाप्रतिहार ये मंत्री हुआ करता था। एक मीमांसक कौन होता था? ये कौन सा मंत्री? मीमांसक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न परीक्षा में अपनी भूमिका निभा सकता है। कॉपी में नोट कीजिएगा, ये हर्षवर्धन के दरबार में न्यायाधीश का कार्य करने वाले को क्या कहते थे? मीमांसक कहते थे। कॉपी में नोट कीजिएगा, मीमांसक से क्या तात्पर्य? न्यायाधीश का कार्य करने वाले अधिकारी को मीमांसक कहते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉपी। महाप्रतिहार महलों की रक्षा करने वाले अधिकारी को महाप्रतिहार कहते थे। अक्ष पटला अधिकर राजकीय कागजों की देखभाल करने वाले को महा अक्ष पटला अधिकर कहते। भोगी राजकीय कर वसूल करने वाले अधिकारी को भोगी कहते थे। आइए अगले बिंदु की ओर मैं आपको जोड़ने का प्रयास करता हूं, समय को मद्देनजर रखते हुए। चलिएगा, हमारा अगला बिंदु है प्रांतीय शासन। अगला जो हमारा बिंदु रहेगा वो है प्रांतीय शासन। प्रांतीय शासन की अगर बात करें तो प्रांतीय शासन कैसा है? प्रांतीय शासन क्या था? हर्ष ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को प्रांतों में विभक्त किया था। जैसे वर्तमान में प्रांत यानी राज्य होते थे, अपने संपूर्ण शासन को उसने प्रांतों में, जिस प्रकार जो हमारा केंद्रीय शासन होता है जैसे दिल्ली में, इसी प्रकार जो हमारा राज्य शासन है, इसी प्रकार पहले भी ऐसा होता था। तो अपने संपूर्ण साम्राज्य को उसने प्रांतों में विभक्त किया। प्रांतों को उस समय क्या कहते थे? हर्ष के समय में जो प्रांत होते थे उस समय उसको क्या कहते थे? उसको देश व भुक्ति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हर्ष के समय में प्रांतों को क्या कहते थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देश व भुक्ति कहा जाता था। शासन कार्य जो केंद्रीय शासन को प्रांतों में विभक्त किया था राजा हर्षवर्धन के समय में, और इस समय में जो प्रांत थे उस प्रांत को देश व भुक्ति कहते थे। इस प्रांतीय शासन के प्रमुख अधिकारी थे, प्रांतीय शासक को क्या कहते थे? तो वो कहता ऊपरी महाराजा कहा जाता, उसको भोगता कहते थे, और भोगपति आदि कहा जाता था। भोगपति आदि कहा जाता। प्रश्न दो नंबर में आ जाए कि प्रांतीय शासक को क्या कहते थे, तो आप देखेंगे ऊपरी महाराजा, उसको भोगता भी कहते थे और भोगपति भी कहते थे। प्रांतीय शासन को विषय में विभक्त किया गया था, इसमें विभक्त किया गया था विषय में। प्रांतीय शासन को किसमें विभक्त किया? विषय में। विषय के सबसे अधिक बड़े अधिकारी को विश्वपति कहते थे। हर्षवर्धन वंश के समय में विश्वपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विश्वपति कहा जाता था। ये ध्यान रखना, विश्वपति कहा जाता था। और इन विषयों को तहसीलों में विभक्त किया गया था। तहसीलों में विभक्त किया गया था। इसमें विषय किसमें विभक्त थे? तहसीलों में। प्रांत किसमें विभक्त थे? आप देखेंगे विषय में। विषय किसमें विभक्त थे? तहसीलों में। तो ये ध्यान रखना है, विषय के सबसे बड़े अधिकारी को क्या कहते थे? विश्वपति कहते थे। प्रांतीय शासन के सबसे बड़े अधिकारी को क्या कहते थे? ऊपरी महाराजा, भोगता और भोगपति कहा जाता था, और प्रांत को देश व भुक्ति कहा जाता था। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, प्रांत को भोगपति वो कहा जाता था। अगले बिंदु की ओर मैं आपको ले जा रहा हूं। अगला बिंदु हमारा क्या रहेगा कि अगले बिंदु में
चलिए अगला नंबर, अगला जो हमारा जो बिंदु है वो है ग्राम शासन। हर्ष के समय में ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। हर्ष के समय में ग्राम है वो शासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। शासन की सबसे छोटी इकाई होती थी, छोटी इकाई थी, इकाई थी। गांव के सबसे बड़े अधिकारी को, गांव के जो अधिकारी था उसको बोलते थे ग्रामीण। ग्रामीण गांव के सबसे बड़े अधिकारी को ग्रामीण व महत्तर कहा जाता था। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्तर से क्या प्राप्त किया, दो नंबर में प्रश्न आ जाता है। तो गांव के सबसे बड़े अधिकारी को महत्तर कहा जाता था और ग्रामीण कहा जाता था, जो गांव में शासन कार्य संभालते थे, गांव में शासन करते थे, गांव में बिजली व्यवस्था उपलब्ध करवाते थे, गांव में पानी की व्यवस्था उपलब्ध करवाते थे, गांव में कोई लड़ाई झगड़ा और दंगा हो गया तो वो कार्य काम करने का कार्य ये ग्रामीण और महत्तर आदि अधिकारी करते थे। गांव के और कौन से अधिकारी थे अगर हम बात करें तो गांव के और कौन कौन से जो हमारे जो अधिकारी थे, अगर गांव के अन्य अधिकारियों की अगर हम बात करें तो ठीक है। तो एक तो था स्वल्की, स्वल्की ये कौन सा होता है, सुंगी वसूल करने वाले अधिकारी को, सुंगी वसूल करने वाले अधिकारी को, सुंगी वसूल करने वाले अधिकारी को गांव में सुंगी वसूल करने वाले अधिकारी को स्वल्की कहते थे। गोलवी किसे कहते थे, गोलवी ये कौन सा अधिकारी था, गांव का अधिकारी था स्वल्की को, और गोलवी कौन है गांव के अधिकारी हुआ करते थे, ये वनों की रक्षा करने वाले अधिकारी को, वनों की रक्षा करने वाले अधिकारी को गोलवी कहा जाता था हर्ष के समय में, ये ध्यान रखना है। अक्ष पटलिक ये कौन होता था, अक्ष पटलिक, अक्ष पटलिक ये कौन सा अधिकारी था, राज के कागज पत्रों की देखभाल करने वाला, राजकीय कागज पत्रों की देखभाल करने वाले अधिकारी को अक्ष पटली कहा जाता था, और पुष्पपाल किसे कहते थे, पुष्पपाल किसे रख रखाव रखने वाले अधिकारी को, रख रखा रखाव रखने वाले अधिकारी को पुष्पपाल कहा जाता था, ये ध्यान रखना है। लेखा रखने वाले अधिकारी या को पुष्पपाल कहा जाता था, लेखा रखने वाले अधिकारी। गांव में वो शासन की सबसे छोटी इकाई थी, गांव के प्रमुख अधिकारी को ग्रामीण और महत्तर कहते थे। गांव में बहुत अन्य, गांव में बहुत अन्य अधिकारी जो होते थे जैसे स्वल्की सुंगी वसूल करने का कार्य किया करता था, गोलवी ये वनों का रक्षक हुआ करता था, अक्ष पटलिक ये राजकीय पत्रों की देखभाल करने का काम किया करता था, पुष्पपाल लेखा रखने का काम करने वाले जो अधिकारी थे उसको पुष्पपाल कहा जाता था हर्ष के समय में। अगले बिंदु की अगर हम बात करें ग्राम शासन, अगला जो हमारा जो बिंदु है वो है सैनिक प्रबंधन। हर्ष के समय में सैनिक व्यवस्था भी वो बड़ी सुव्यवस्थित थी, सैनिक व्यवस्था बड़ी अच्छी थी, सुव्यवस्थित थी एवं सुसंगठित थी। लिखो नाम लिखकर सुसंगठित थी, हर्ष के समय में शासन व्यवस्था सुसंगठित बहुत अच्छी थी। कुछ स्रोत से ये जानकारी प्राप्त होती है कि हर्ष के दरबार में कौन कौन सी सेना थी, एक तो पैदल सैनिक थे, पैदल सैनिक भी थे, अश्व सैनिक थे, पैदल सैनिक थे, अश्व सैनिक थे, और हाथी सेना भी, हाथी सेना भी राजा हर्षवर्धन के समय में थी, ये सैनिक हो जाते थे। ऐसी जानकारी मिलती है कि हर्षवर्धन के दरबार में जो सैनिकों की जो संख्या थी वो लगभग 3-6 लाख थी। कुछ स्रोत से जानकारी प्राप्त होती है कि हर्ष के दरबार में 6 लाख स्थाई सेना थी, स्थाई रूप से स्थाई सेना थी। लेकिन यहाँ पर एक सीनियर यात्री हंसा मतभेद उत्पन्न करता है।
है हैंसम, चीनू के नाम पुस्तक में हैंसम कहते हैं कि हर्षवर्धन के दरबार में सैनिक की संख्या के 1,00,000 पैदल सैनिक थे, भाई 1,00,000 घुड़सवार सैनिक थे, घुड़सवार थे, घोड़े पर बैठकर लड़ाई करते थे 1,00,000 सैनिक। 60,000 आपके पैदल सैनिक बताता है या हैंसम, 60,000 पैदल सैनिक थे, पैदल सैनिक थे, हां इनका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 60,000। ये उनकी जो सेना की संख्या हुआ थी सैनिक, सेना का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसको बोलते हैं महासंधि विग्री। इसको क्या बोलते थे, सेना का सबसे बड़ा जो अधिकारी हुआ करता था उसको बोल महासंधि, लिखिएगा साथ में महासंधि विग्रह, विग्रह दीगर, महासंधि विग्रह दीगर, सेना का सबसे बड़े अधिकारी को कहा जाता था महासंधि विग्रह दीगर, जो सेना का संचालन करने का कार्य किया करता था। तो ये बात, इस बात का आप ध्यान रखें कि सेना का सबसे बड़ा अधिकारी को ये कहते थे। उस समय अगर सेना की अगर और की बात करें अपन, सेना में अगर बात, महाबलाधिकर कौन होता था, महाबलाधिकर, महाबलाधिकर इसको मिटा देता हूं, महाबलाधिकर ये कौन सा अधिकारी था, महाबलाधिकर ये सैन्य संचालन करने वाला अधिकारी, सैन्य संचालन करने वाले अधिकारी को महाबलाधिकर कहा जाता था। एक अगेन कुछ और भी मंत्री अगर सैनिकों की अगर हम बात करें तो उसमें अगर नाम आता है तो अपन लिखेंगे गज भट्टा अश्वपति या कुटु, कुटु किसे कहते थे, भट्टा अश्वपति कुटु गज सेना के अधिकारी को, गज यानी हाथी सेना के अधिकारी को भट्टा अश्वपति और कुटु कहा जाता था, हाथी सेना भट्टा अश्वपति और कुटु गज सेना के अधिकारी को कहा जाता था, और अश्व सेना के जो अधिकारी थे तो अश्व सेना के जो अधिकारी को क्या कहा जाता था। तो इसमें अगर हम बात करें तो अश्व सेना का जो हमारा जो अधिकारी था उसको वीरस्वता, वीरस्वता कहा जाता था, ये ध्यान रखना है, बहुत ऐसे नाम है। तो ये अश्व सेना का अधिकारी हुआ करता था, घोड़े की ये सेना का जो अधिकारी था, गज सेना का अधिकारी को भट्टा अश्वपति और कुटु कहा जाता था। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ये उनकी सेना हुआ करती थी, और ये जो हमारी जो जानकारी है वो पूरी हैंसम के स्यूकी नामक पुस्तक से भी इसकी जानकारी मिलती है, ध्यान रखना ये बहुत सारे अधिकारी थे। अगला तो हमारे बिंदु की बात करें तो हम सीधा आपको ले जाएंगे पुलिस व्यवस्था। इस पुलिस व्यवस्था का जो अन्य नाम है, पुलिस व्यवस्था का जो अन्य नाम भी है पुलिस व्यवस्था का अन्य नाम रक्षित विभाग भी कहते हैं, रक्षित विभाग भी कहते हैं। उनका प्रमुख कार्य है नगरों, गांवों, शहरों में शांति व्यवस्था स्थापित करना, शांति व्यवस्था स्थापित करना ये पुलिस विभाग का कार्य हुआ करता है, ध्यान रखना, अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। इसको रक्षित विभाग भी कहते हैं, नगरों गांवों और शहरों में शांति व्यवस्था स्थापित करने का जो कार्य जो करता है वो पुलिस विभाग किया करता है। इस पुलिस विभाग में भी बहुत सारे मंत्री हुआ करते हैं। आइए दंड पार्षद कौन होता है, दंड इसमें अगर हम बात करें तो इसका जो अगला जो गया दंड पार्षद ये कौन सा अधिकारी था उसमें पुलिस में, दंड पार्षद, ये दंड पार्षद कौन सा अधिकारी था, डंडा और रस्सी रखने वाले अधिकारी को, इस सांप के हमेशा डंडा रखता था, डंडा व रस्सी रखने वाले अधिकारी को दंडवासी कहते थे, रखने वाले अधिकारी को दंडवासी कहते थे, ये ध्यान रखना है, कॉपी में नोट कीजिएगा, दंडवासी कौन रहता, डंडा व रस्सी रखने वाले अधिकारी को दंडवासी कहते, दंडी ये कौन सा अधिकारी था, दंडी
ध्यान रखना रणजीत दो नंबर में भी आ सकता है। रस्सी रखने वाले, केवल रस्सी रखने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? दंडीन कहा जाता था। केवल रस्सी रखने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? दंडीन कहा जाता था। सोरो उद्धरणी, सोरो उद्धरणी की कौन सा अधिकारी होता था? सोरो उद्धरणी, उद्धरणी ये कौन सा अधिकारी होता था? सोरो की खोज करने वाले अधिकारी को, सोरो की खोज करने वाले अधिकारी को, करने वाले अधिकारी को सोरो उद्धरणी कहा जाता था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगले जो हमारे इसमें पुलिस विभाग की अगर हम बात करें तो पुलिस विभाग का अगला जो हमारा जो अधिकार याम सेठी, ये कौन होती थी? याम सेठी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। याम सेठी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, प्रश्न परीक्षा में रात्रि में पहरा देने वाली जो स्त्री हुआ करती थी उसको याम सेठी कहा जाता था। हर्षवर्धन के समय में गांवों में शांति व्यवस्था स्थापित करना, नगरों में शांति व्यवस्था स्थापित करना और प्रांतों में शांति व्यवस्था स्थापित पुलिस विभाग हुआ करता था। उसमें बहुत सारे मंत्री हुआ करते थे, जो मैंने आपको एक एक मंत्रियों के बारे में बता दिया कौन से मंत्री का कौन कौन से कार्य हुआ करते थे, जो वर्तमान में भी कार्य उस तरीके से बटे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर गुप्तसर भी हुआ करते थे। गुप्तसर, ये गुप्तसर कौन होते थे? आपका प्रश्न आ जाए तो गुप्तसर होते थे, वो गुप्त बातों को इधर उधर करने का जो प्रयास करते, गुप्त बातों को चुपचाप राजा को बताने का जो कार्य किया करते थे वो गुप्तसर होते थे। ये गुप्तसर नगरों और गांवों कार्यालयों के आसपास में नियुक्त किए जाते थे। गुप्तसर ब्राह्मण के वेश में होते थे, फकीरों के वेश में होते थे, ये भिखारियों के वेश में भी हुआ करते थे, विश्वकन्या के रूप में भी ये गुप्तसर हुआ करते थे। तो ये जानता कई गुप्तसर होते थे, अलग अलग राज्य में घूमते रहते थे, कई लोग होते थे वो अपने गांवों में भी रहते थे और गुप्त बातों को राजा को बताते थे। तो गुप्त सर विभाग भी उस समय बना हुआ था। चलिए आगे बिल्कुल की ओर बात करते हैं। न्याय व्यवस्था क्या थी? हर्ष के समय में जो न्याय व्यवस्था थी बड़ी सर्वोपरि, न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी थी, सर्वोपरि सर्वोपरि थी, न्याय व्यवस्था बड़ी अच्छी थी, अच्छी थी। उस समय जो हर्ष है वो न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था। हर्ष न्याय का सर्वोच्च अधिकारी, अंतिम न्याय हर्षवर्धन के पास में भी था, न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था, सर्वोपरि थी, अच्छी व्यवस्था थी और हर्ष है वो न्याय का सर्वोच्च अधिकारी हुआ। उस समय जो दंड व्यवस्था थी वो बड़ी कठोर थी, दंड व्यवस्था हर्ष के समय में बड़ी कठोर दंड व्यवस्था, दंड व्यवस्था थी, कठोर दंड व्यवस्था। अगर कोई भी व्यक्ति सामाजिक अपराध करता था, अगर सामाजिक अपराध किसी ने किया है, हर्ष के दरबार में सामाजिक अपराध किया है तो सजा भुगतने के लिए तैयार रहना है। तो सामाजिक अपराध के लिए जो सजा दी जाती थी वो अंग भंग करना, अंग भंग करना व देश से निकालना, ये सामाजिक अपराध की सजा हुआ करती थी। अंग भंग का मतलब होता है हाथ काट दिए जाते थे, पैर काट दिए जाते थे, आंख काट दी जाती थी या उसको देश से निकाल दिया जाता था सामाजिक अपराध के लिए। जो ध्यान रखना, सामाजिक अपराध के लिए ये सजा उस समय दी जाती थी। राजद्रोह अगर कोई करता है, राज्य के साथ धोखा करता था, राजद्रोह के अपराध में कौन सी सजा दी जाती थी? राजद्रोह, अगर किसी ने राज्य के साथ में धोखा कर दिया, किसी मंत्री ने धोखा कर दिया है तो उनको जो सजा दी जाती थी आजीवन कारावास की सजा दी जाती थी, आजीवन कारावास की सजा, कारावास की सजा दी जाती थी, आजीवन कारावास की सजा दी जाती थी। ध्यान रखना राजद्रोह के में उसको आजीवन कारावास की सजा दी जाती थी। अगर किसी ने कोई साधारण अपराध किया है, साधारण किसी ने छोटा सा साधारण अपराध किया है तो साधारण अपराध के लिए उनको कौन कौन सी जैसे सजा दी जाती थी? तो उसको अर्थदंड दिया जाता था, कुछ पैसे भरकर उसको छोड़ दिया जाता था, छोड़ दिया जाएगा, मार दिया नहीं जाएगा, ध्यान रखना। तो अर्थदंड उसको उस समय भी दिया जाता था। दूसरी अगर बात करें तो उनको विष की सजा भी दी जाती थी, जल परीक्षा देनी पड़ती थी, अग्नि परीक्षा देनी पड़ती थी। अपराधी को हर्ष के दरबार में अग्नि में डाल दिया जाता था, जल की परीक्षा, जल में डुबो दिया जाता था और साथ में उसको विष भी पिलाया, जहर भी पिलाया जाता था, ऐसी
सजा दी। इतनी कड़ी सजा होने के बावजूद भी हर्ष के दरबार में इतनी बड़ी सजा होने के कारण हर्ष का तो प्रशासन थे बड़ा ईमानदार था, इतना ईमानदार उसके अधिकारी हैं, कर्मचारी लोग हैं बड़े ईमानदार होते थे, लेकिन वहां पर फिर भी आतंकवाद अधिक था। ये बात हेंसांग अपनी पुस्तक सीयूक्यू में कहते हैं आतंकवाद। देखो हेंसांग कहते हैं फिर भी यहाँ पर आतंकवादियों का बोलबाला था, आतंकवाद है। एक बार क्या हुआ कि जो हेंसांग है वो हर्ष की राजधानी के आस राजधानी में आ रहा था, थानेश्वर कन्नौज में आ रहा था, तब उन्होंने डाकुओं ने उनके ऊपर हमला कर दिया, उसको खूब लूटा, तो उसमें डाकुओं का भी आतंक उस समय हुआ करता था। तो ये अपनी सीयूक्यू पुस्तक में उसको लिख डालता है हेंसांग। हेंसांग यात्रियों का राजकुमार था, ये भी प्रश्न परीक्षा में कई बार आता है। और जालौर के में हेंसांग कई बार जैसे अपने जालौर के भीमाल नामक स्थान पर ये हमारे जो हेंसांग आए थे, तो ध्यान रखना है। तो ये हमारा जो हुआ न्याय व्यवस्था थी सर्वोपरि थी, दंड व्यवस्था कठोर थी, सामाजिक अपराध में कौन सी सजा, राजद्रोह के अपराध में, साधारण अपराध में कौन सी सजा दी जाती थी, तो इस बात का आप अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा कौन सी अपराध कौन सा। तो ये सारी जो इतनी सारी जो सजा है वो दी जाती थी। अगले जो हमारे बिंदु की ओर बढ़ते हैं, आय व्यय के साधन कौन कौन से थे हर्ष के समय में। आय व्यय के साधन राजा हर्षवर्धन के समय में, तो आय व्यय के जो साधन थे वो कौन कौन से थे ध्यान रखना है। आय व्यय हर्ष के समय में आय का प्रमुख साधन, हर्ष के समय में जो आय का प्रमुख साधन था वो था आय का प्रमुख साधन था भूमिकर। क्या था भूमि। उस समय जो भूमिकर वो टैक्स है वो कितना लिया जाता था, दो नंबर में कई बार प्रश्न पूछा जाता है, 1/6 भूमिकर के रूप में लिया जाता था। ध्यान रखना दो नंबर में प्रश्न आ जाए कि हर्षवर्धन के समय में कितना भूमिकर या कितना टैक्स लिया जाता था, तो आप देखेंगे 1/6 कर व टैक्स लिया जाता था। तो उस समय जो आय व्यय के साधन थे वो भूमिकर थे। इन टैक्सों को वसूल करने के लिए बहुत सारे अधिकारियों की नियुक्ति की। ये कर व टैक्स किन किन से वसूल किया जाता था, कहां से वसूल किया जाता था, तो ये ध्यान रखना है। तो अपन बात करेंगे कौन कौन से कर, ऊपरी कर का। ऊपरी कर क्या था, ऊपरी कर, ऊपरी कर उन किसानों से लिया जाता था, ऊपरी कर उन किसानों से लिया जाता था जिसका भूमि पर स्वामित्व नहीं था। लिखिए अपने कॉपी में जिसका भूमि पर स्वामित्व नहीं था, भूमि पर स्वामित्व नहीं था, ये कर ऊपरी कर उन किसानों से लिया जाता था। दूसरा है धान्य, विशेष फसलों पर लिया जाने वाले कर को धान्य कर कहते हैं, विशेष विशेष अनाजों पर लिया जाने वाले कर को धान्य कर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कॉपी में लिखना है इसको, विशेष अनाजों पर लिया जाने वाले कर को धान्य कर कहा जाता था। ये ध्यान रखना है, ऊपरी कर उन किसानों से लिया जाता था जिसका भूमि पर स्वामित्व नहीं होता था, धान्य कर विशेष अनाजों पर लिए जाने वाले कर को धान्य कर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हिरण्य कर क्या था, हिरण्य कर क्या था, खनिज पदार्थों से लिया जाने वाला कर, खनिज पदार्थों से लिया जाने वाले कर को लिया जाने वाले कर को हिरण्य कर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न परीक्षा में अपनी भूमिका जरूर निभाएगा हिरण्य कर, ध्यान रखना याद करना है। तो ये खनिज पदार्थ जैसे कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है वगैरह, ये जो खनिज पदार्थ वगैरह हुआ करते थे इनके ऊपर से जो टैक्स लिया जाता था उसको हिरण्य कर कहते थे, याद रखना। एक धान्य कर पूछा जाता है तो विशेष अनाजों पर लिए जाने वाले कर को धान्य कर कहते हैं। उद्ग्रहण क्या था, ये 1/4 का भूमि कर था, ये ध्यान रखना, उद्ग्रहण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1/4 का भूमि कर था। क्या था, भूमि कर था, यहाँ यहाँ से टैक्स वसूल किए जाते थे। इसके अलावा शिक्षा कर है, न्यायालय शुल्क है, अर्थदंड पर कर व टैक्स वसूल किए जाते थे। देखो सिसाई कर से भी टैक्स वसूल किया जाता था, अगर कोई भी व्यक्ति सिसाई करते थे उनके ऊपर टैक्स वसूल किया जाता था। न्यायालय शुल्क, अगर किसी का कोई न्याय करते थे तो इस न्याय से संबंधित भी टैक्स और वसूल किया जाता था। अर्थदंड में भी कर व टैक्स वसूल किया जाता था। बहुत सारी जो हमारी बातें हैं, एक बार विशेष हमने सारी बातें बताई, आय का प्रमुख साधन क्या था,
भूमिगत था, भूमिगत एक प्रकार चेयर किया जाता था, इसमें बहुत सारे जो अधिकारी हुआ करते थे, कौन कौन से कर में टैक्स होते थे, यूनिय कर है, उपरी कर है, ये धान्य कर है, बहुत सारे इम्पोर्टेंट जितने भी कर और टैक्स है वो मैंने आपको लिखवा दिए हैं। इसके अलावा धार्मिक सरकारी कार्यों पर भी टैक्स लिए जाते थे, राजनीतिक कार्यों के सार्वजनिक अधिकारियों के ऊपर भी टैक्स लिए जाते थे, तो ये बहुत सारा हम लिख सकते थे। अगला जो हमारा जो बिंदु रहेगा सार्वजनिक हित के कार्य, सार्वजनिक हित के कार्य की अगर हम बात करें तो सार्वजनिक हित के जो कार्य थे, हर्षवर्धन एक प्रजावत्सल शासक था, हर्षवर्धन एक प्रजावत्सल शासक था, प्रजा की हमेशा नैतिक एवं भौतिक उन्नति के बारे में हमेशा सोचता रहता था, प्रजा के कल्याण के बारे में हमेशा सोचता रहता था, इसने प्रजा की नैतिक भौतिक उन्नति के बारे में सोचने के सोचते हुए उसने कई सड़कों का निर्माण कराया, अनाथालयों का निर्माण कराया, सरायों का उसने निर्माण करवाया, धर्मशाला स्तूपों विहारों सैत्यों आदि का उन्होंने निर्माण कराया जनता की भलाई के लिए। देखो स्तूप क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, जैसे ये कटोरी को उल्टी रखा जाता है तो इसे स्तूप बनाया जाता है, इसमें बहुत धर्म के जो अनुयायी होते थे उनकी अस्थियों को रखा जाता था, विहार एक ऐसा हिस्सा होता था, स्तूप क्या है कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते थे, प्रार्थना वगैरह किया करते थे, उस स्थान को विहार कहते थे। और स्तूप से तात्पर्य है कि स्तूप एक ऐसा जो स्मारक होता था जिसमें बौद्ध भिक्षुकों की अस्थियों को रखा जाता था, एक कटोरी के आकार का हुआ करता था, अनाथ खाली में अनाथ बच्चे रहते थे, उनकी उन्होंने बहुत सारी व्यवस्था कराई। ये एक प्रजा वर्ष शासक होने के कारण प्रयाग में पांच वर्ष के बाद बहुत बड़ा एक सम्मेलन करता था जिसमें वो अनाथ लोग हैं ब्राह्मण लोग हैं, भिक्षुक लोग हैं गरीब लोग हैं, अनाथ ब्राह्मण भिक्षु गरीब लोग हैं, गरीब को अतुल धन संपत्ति दान में देता था, सारी संपत्ति अतुल धन संपत्ति दान में दिया देने का कार्य करते थे, वो सारी संपत्ति को इस प्रयाग सम्मेलन में बांट दिया जाता था, फिर बाद में अपने जो बहन से वस्त्र दान में थे वो उस वस्त्र को पहनता था, इतना दानश्री पर्वती का ये व्यक्ति था। तो उन्होंने कन्नौज सम्मेलन और प्रयाग सम्मेलन में खूब उन्होंने दान पुण्य किया था, ध्यान रखना है। तो ये उनकी जो वो उन्होंने हर्ष ने क्या क्या कार्य किया, सड़कों का अनाथ सराय आदि का निर्माण कराया, प्रयाग में बहुत सारे अनाथ गरीबों ब्राह्मण भिक्षुओं आदि को दान किया करता था, इसलिए उसको दानश्री पर्वती का कहा जाता था। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जो अगला जो हमारा बिंदु है शासन का स्वरूप कैसा था, देखो इनका जो शासन का स्वरूप है बहुत अच्छा था, सुव्यवस्थित था, सुसंगठित भी था, उनका जो शासन है बहुत अच्छा था, सुसंगठित था, सुव्यवस्थित था, और उनका जो शासन स्वरूप है वो सुसंगठित था सुव्यवस्थित था, सुव्यवस्था उदार सिद्धांतों पर आधारित था, ये दानशील प्रवृत्ति का व्यक्ति था, लोगों के कल्याण के बारे में हमेशा सोचता रहता था, उसने लोगों की भलाई के लिए बहुत सारे दान पुण्य आदि किया था राजा हर्षवर्धन ने। आज हमने राजा हर्षवर्धन के प्रशासन व्यवस्था के बारे में बहुत अच्छी तरीके से हमने अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हर्षवर्धन की सांस्कृतिक उपलब्धियों को लेकर मैं कल आपके सामने उपस्थित हूंगा, इसके तो आप मेरा इंतजार जरूर कीजिएगा, अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। अगर मेरा ये जो भी है तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नरेंद्र पाल सिंह, इतिहास जिज्ञासु, अगले वीडियो का आप इंतजार करें। धन्यवाद।